नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं खबर महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र समेत पूरे देश भर में नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। देश के हर भाग में नवरात्रि की धूम अलग अलग तरह से देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान गरबा का आयोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग राज्यों के लोग शामिल होते हैं। इसी कड़ी में मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण में भी नवरात्रि उत्सव के दौरान लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। कल्याण में नवरात्र उत्सव में डांडिया खेलने और देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस साल नवरात्र उत्सव कुछ ज़्यादा ही खास होने वाली है, क्योंकि कल्याण के श्री बृहद गुजराती समाज और अन्वेष जोशी के माध्यम से इस साल खास आयोजन किया गया है। वहीं पिछले साल गरबा रसिकों की भारी भरकम भीड़ को देखते हुए इस साल सबसे बड़ी जगह नवरात्र उत्सव के लिए ली गई है। अन्वेष जोशी ने नवरात्रि उत्सव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। श्री बृहद गुजराती समाज की ओर से हम नवरात्रि करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसमें ये नहीं लेते हैं। हम लोग सहयोग और सहभाग सबका रहता है, और हर टाइम हम लोग SM5 में करते थे, सर्वोदय मॉल में, पर वो जगह छोटी थी और ये टाइम मेरे को बड़ा वेन्यू मिल गया है। वो जगह 5000 स्क्वायर फुट कारपेट थी, ये 8500 स्क्वायर फुट कारपेट है और नया वेन्यू है, नई जगह है, मॉल भी नया है और पहला ओपनिंग हम ही कर रहे हैं, तो सोचा है इस बार यहाँ पर करें, तो ये वेन्यू भी नया है। कल्याण में भी, कल्याण की जनता के मन में भी एक नया जोश है कि नई जगह है, सब लोग आके रोज सुबह शाम लोग देखना चाहते हैं, देख के भी जाते हैं, और सबको एक नया उत्साह है कि अभी वो 3 तारीख से कब आना शुरू करे और नवरात्रि खेले। 1500 से 1800 का कैपेसिटी है कि जो उन लोग यहाँ पर नवरात्रि खेल सकते हैं। अपने पास यहाँ पर कल्याण हो गया, डोंबिवली हो गया। बोलिए, जिस तरह आप नवरात्रि शो करना चाहते हैं, इसमें क्या कुछ चार्जेस वगैरह भी है जो नवरात्रि कैसा है? मिनिमम चार्जेस, समाज की नवरात्रि होने के कारण हम कोई बड़ा चार्जेस वगैरह ले नहीं सकते हैं, छोटा मोटा हम लोग लेते हैं, जो समाज को भी परवड़ना चाहिए और जनता को भी परवड़ना चाहिए, पब्लिक को भी परवड़ना चाहिए। चार्जेस लेने का रीज़न खाली इतना है कि बाहर की फालतू पब्लिक वगैरह या असामाजिक तत्व अपने यहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि रात को यहाँ पर जब गरबा खेलते हैं कल्याण के जो रसिक लोग रहते हैं, गुजराती महिला वगैरह सब जो तैयार होके अच्छे वगैरह, तो वो माहौल बिगड़े नहीं। हमको प्रशासन भी ध्यान में रखना है, पुलिस भी ध्यान में रखनी है और सिक्योरिटी भी ध्यान में रखनी है। आज भी वो दोनों दोस्त हैं मेरे, दोनों का मेरे को फ़ोन भी आया था, राकेश भाई का भी मेरे को फ़ोन आया था कि अपने को स्काई डोम में करना है, पर स्काई डोम में लास्ट 3-4 साल से हम मेरे प्रिय मित्र विक्की गणत्रा करते थे, तो अभी वो खुद अपने जीवन का कुछ संघर्ष लड़ रहे हैं, तो आज उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं वो जगह के साथ में, तो वो चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, वैसा मेरा मंतव्य था। तो मैं राकेश भाई को, जतिन भाई को, दोनों को बोला था कि मेरा मन नहीं है, नया वेन्यू मिले तो ठीक है पर नहीं लेना चाहिए करके, तो बस ये मेरी सोच थी। 9 दिन नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें का कौन कौन से कलाकार या गेस्ट आने वाले हैं? ये राजकोट से हम लोग ने, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, वहाँ से हम लोग ने आर्टिस्ट, सिंगर वगैरह सब मंगाए हुए हैं जो आज कल्याण आ भी गए हैं, और परसों हमारा ट्रायल राउंड है और 3 तारीख से हमारा रेगुलर नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा।